रहे हैं, फोकस हो गए। किसी में नहीं आया क्या भाई? क्लियर आया वो, ब्लर नहीं आया। ये स्नेक ने इसको बाइट किया है। जैसे इसका बड़ा भाई है वो पहले बेहोश हुआ, उसको जब अस्पताल में लेके आए थे डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा, फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है जी? हाँ लग रहा है भी कुछ उपरवाला ठीक करेगा बच्चे को। एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दूसरा यहाँ पर जिंदगी और मौत के पालने में झूल रहा है, क्या क्या हुआ है, किस वजह से? जी ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो या गरीबी हालात, मकान कच्चे हैं, साथ में जंगल जंगल की वजह से जो जानवर अंदर घर में घुसा है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ है। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको, ढूंढ रहे हैं उसको, देख रहे हैं। अभी मिला नहीं है ना? मिला नहीं है। तो कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसका जन्म है 11/20/2015 का जन्म है इसका। और जिसका इंतकाल हुआ है वो इससे 1-2 साल बड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाता है, जाना जाता है कैरेट साहब को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे? देखो मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता, या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए, या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा हुआ, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुँचा, हमने इसको एंटी वीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया, पर इतनी ही देर में हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी, इतनी ही देर में बच्चा गास्प करने लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनफेक्टिव हो गया, जैसे मरने से पहले 2-4-5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटुबेट कर दिया, और इंटुबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है, बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था, पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें स्वेयर बाइट के कारण 20 इंजेक्शन एंटी वेनम के चढ़ाने पड़े हैं, और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बताएंगे क्या, जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे, ये मुस्लिम फैमिली से, आसपास जंगल है, ग्राउंड फ्लोर पे थे दोनों बच्चे, एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो ये छोटे वाला है, इसकी उम्र लगभग 5 साल है, इससे दूसरे वाला 7 साल का था। तो जब सवेरे 5 बजे के करीब वो बड़े वाला बच्चा उठा, उसने कहा मुझे पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। इसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने उसको सरकारी हॉस्पिटल में बताया कि ये तो मरा वही है, वहाँ जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। फिर ये जब घर आए तो दूसरे बच्चे को भी सेम सिम्टम आए, इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए, उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा के गले से आवाज़ आ रही थी, सांस लेने में इसको थोड़ी दिक्कत थी, पर सांस ले पा रहा था, और थोड़ा बहुत मतलब इसको जब पूछते थे गले से आवाज़ नहीं निकली थी, विस्परिंग साउंड में ये बता रहा था। मैंने जब इससे नाम पूछा, विस्परिंग साउंड में बता रहा था। हमें लगा कि शायद इसको हम
बिना वेंटिलेटर के एंटीविनम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि दो बच्चे अगर जो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोएं और सवेरे उसको पेट दर्द हो, उल्टी हो, तो ये साइन अपने आप में ही है जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठे या उनको उल्टी या पेट दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि स्नेक बाइट हुई होगी, उसमें जितना डिले करते हैं उतना ही उनको बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों को वो बच्चे 5 बजे एक्सपायर हो गए तो लगभग लगता है कि एक बजे से लेके 2 बजे के बीच में कहीं सांप ने काटा होगा। इस बच्चे के हमने पैर पर निशान देखे, इसकी लेफ्ट लेग पर स्नेक बाइट के निशान हैं, फैंग मार्क्स होते हैं दो बहुत नज़दीक नज़दीक, और ये स्नेक